ढेर सारी भर भर के हर वैरायटी की ड्रेसेस होने वाली है इस वीडियो में तो पूरी वीडियो जरूर देखना डब्बा लेके बैठ गई गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है मैं फिर से आ गई हूँ अपने फेवरेट ब्रांड और के साथ एक प्यारी सी वीडियो लेकर इस वीडियो में होने वाली है नौ दस ड्रेसेस और एक और हर ड्रेसेस अलग अलग होने वाली हैं पार्टी वी, पार्टी पार्टीवेयर कैजुअल और अतरंगी कुछ अजीब सी बहुत सारी ड्रेसेस होने वाली हैं हर रेंज हर वैरायटी और काफ़ी सारी ड्रेसेस को शायद आपने मुझे पहनने में भी देखा होगा क्योंकि मेरे अर्बैनिक व्लॉग्स बहुत होल्ड पे थे तो अब ये आ रहे हैं बैक टू बैक हर कैटेगरीज में तो आई होप आप ये इंजॉय करोगे पूरी पूरी वीडियो जरूर देखना वीडियो की स्टार्टिंग से ही फंबल कर रही हूँ यार मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक मात्र मेरा कूपन कोड गीमा बी ट्वेंटी थ्री जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा भारी भरकम डिस्काउंट अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको मिलेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ और अगर आप मेरी तरह पुराने यूज़र हो तो आपको मिलेगा फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ तो मेरा कोड है गीमा बी ट्वेंटी थ्री यूज़ ज़रूर करना मजा आ जाएगा फिर आपको शॉपिंग करने में क्योंकि पे वैसे भी आपको काफी चीजें काफी रीजनेबल और बहुत सुंदर बहुत ट्रेंडी मिल जाती है उस पर आप ऐसे तड़का मार दोगे कूपन कोड ऑफ का तो और मजे आ जाएंगे शॉपिंग करने में तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करती हूँ फटाफट नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है एज यूजल दिखाती हूँ अपना फर्स्ट आर्टिकल पहली जो ड्रेस है ना फ्रेंच कॉकटेल ड्रेस तेरह सौ रुपये की थी इसमें इतने सारे कलर ऑप्शंस थे और ये फ्रेंच वाली ड्रेसेस आजकल इतनी ज़्यादा चल रही हैं आप इसको अपने बर्थडे में किसी की पार्टी में किसी की कॉकटेल में क्लब में कहीं भी पहन के जा सकते हो और इसको पहन के डांस करने का तो अपना अलग ही मज़ा है मैंने इस ड्रेस को वियर किया था अपने ही एक सॉन्ग प्रमोशन मुझे एक सॉन्ग मिला था उसमें पूरी डिस्को वाइफ चाहिए थी तो मैंने ये पहना था यहाँ मैं उसकी पूरी क्लिप लगा दूंगी मैं उसको पहन के डांस कर रही हूँ देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है प्लस पॉइंट क्या होता है ना अर्बैनिक के कपड़ों का मटेरियल बहुत अच्छा होता है और फिटिंग इतनी अच्छी होती है मजा आ जाता है सी देखा मैंने कहा था ना मैंने इसको पहना है सीधा करना भी नहीं सोचा मैंने इसको जरूरी नहीं सोचा वो थोड़ी उलझन होती है पहनने के लिए <laughs> ही नहीं मिल रही है मुझे इसके। अरे यार

बहुत अच्छी ड्रेस है ओवरऑल आप पूरा देख सकते हो पूरा पहन के मैं इसको कितने अच्छे से डांस कर रही हूं है ना चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो मेरी ड्रेस है ना ये मेरी पर्सनल फेवरेट है रच शर्ट ड्रेस और इसमें इतने सारे कलर ऑप्शन है मैंने ये डार्क ब्लू मंगवाया पहले आप पिक्चर में देखो उस लड़की ने पहना हुआ है आप समझ जाओगे कि साइड से कट ऑफ है कटआउट है कट ऑफ़ है और ऊपर से आपको पूरा शर्ट मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा सुंदर ये ड्रेस है मतलब कैजुअल आउटिंग्स मीटिंग्स मैंने ख़ुद इसको एक मैं मीटिंग करने गई थी अभी बॉम्बे में ख़ुद इसको एक मीटिंग में पहना था इसके नीचे मैंने शूज़ पहने थे मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा था ड्रेस का ड्रेस गर्मी से भी आप बच जाओगे एंड बहुत सुंदर लगेगी पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर इसका ये पूरा जो शर्ट है आप वो देखो कलर कितना प्यारा है ये इसका शर्ट है कॉलर इसकी स्लीव्स फ्रंट बटन उसके बाद से आपको ये अटैच हो जाएगा नीचे का ये पूरा स्कर्ट और यहाँ से ये साइड वाला पूरा कट आउट है पीछे आप देख सकते हो ऐसे इलास्टिक मिल जाएगी और साइड से भी ना ये यहाँ पर भी इलास्टिक है तो बहुत अच्छी शेप आती है इसको पहन के और लॉन्ग भी बहुत है नी लेंथ से भी नीचे आएगी बाकी आप पिक्चर और वीडियोस में देख ही रहोगे कि कैसा इसका कट आउट है क्या इसका लुक आ रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे ड्रेस और मैंने ना वो टाइम से आई है मेरे पास मैंने ना लिटरली इसको बचा के रखा हुआ था कि अभी नहीं पहनूंगी किसी मीटिंग में पहनूंगी किसी फॉर्मल जगह जाऊंगी तो मैं पहनूंगी और मैंने इसको पहना ही तभी जब मैं बॉम्बे में मीटिंग्स वगैरह के लिए जा रही थी तो मैंने इसको तभी पहना और मैं इसको पहन के बिल्कुल खुश थी कि हाँ बिल्कुल सही लग रही है हाँ क्री शर्ट भी लग रही है ड्रेस भी लग रही है ओवरऑल परफेक्ट है ये इसके इतने सारे कलर ऑप्शन है ना आप कोई सा भी देख सकते हो पर्सनली मैंने आपको बोला था ना कि मेरे बैग में आपको ब्लू 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 कलर्स बहुत दिखेगा तो ये भी ब्लू ही कलर है अगर आपने मेरा इससे पहले वाला हॉल देखा होगा तब तो आप मेरी ये बात समझ जाओगे चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट है हमारी प्यारी सी रफल ए लाइन ड्रेस सात सौ चौदह रुपए की है बहुत ही सुंदर व्हाइट बेस पे फ्लावर्स बने हुए हैं इसको मैंने दुबई में पहना था अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी तो आप पहचान जाओगे कि ये वही ड्रेसेस की फिटिंग इतनी अच्छी थी इसके ऊपर ना मैंने शर्ट कैरी कर ली थी क्योंकि ऐसी स्ट्रैपी ड्रेस है और बहुत धूप थी, थी तो मैंने शर्ट ले ली थी ऊपर पीछे से आप देख सकते हो इसके स्ट्रैप्स एडजस्टेबल हैं आपको एक लॉन्ग जिप मिल जाएगी फॉर फिटिंग और नीचे से आप इसका देख सकते हो पूरा पैटर्न फ्रिल वाला है यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडीकॉन वाला पैट्स होगा पूरा फिटेड और नीचे थोड़ा सा फ्रिल आ जाएगी ओवरऑल पहन के ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है स्नीकर्स के साथ पहनी हो या आपने सैंडल्स के साथ पहने सबके साथ ही बहुत अच्छी जाएगी और बहुत कैजुअल भी जाएगी आप डे डे आउट पार्टी के लिए जा रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो बहुत सही बहुत प्यारी ड्रेस है बीचेस पे भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी तो मेरी फेवरेट थी ये भी तो मैं ऑलरेडी इसको पहन चुकी हूँ जब मैं हॉल बनाई थी मैं सोचा ये मैं ज़रूर दिखाऊँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँ कि आप मस्ट बाय ये ड्रेस बहुत अच्छी है चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ जो हमारी नेक्स्ट है वो है रच्ड बॉडी कॉन ड्रेस एटीन नाइन्टी रुपीज़ है इसका बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर है नेट की ये ड्रेस है और वन साइड से स्टेप है वन साइड से नहीं है और बहुत सुंदर ड्रेस है पहले आप इसमें मेरे पिक्चर्स और वीडियो आप देख सकते हो हाल फिलहाल ही मैंने इंस्टा पे इसको पोस्ट किया है देखो ये है इसका अपर ऊपर दिखेगा आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है पूरी बॉडीकॉन वाली ड्रेस है और एक तरफ से आपको ना इसके स्ट्रैप्स मिल जाएंगे स्ट्रैप्स भी इसके एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं आप देखो इसके अंदर जो कपड़ा लगाया ना वो पूरा ऐसे स्किन कलर का लगाया लगा और जैसे मेरी टैंड बॉडी और आप कह सकते हो कि डस्ट के स्किन टोन भी तो ऐसा लग रहा था बहुत ही सुंदर और नीचे से आपको मतलब नी लेंथ से भी ऊपर तक का आपको ये वाला मटेरियल लगा हुआ मिलेगा उसके बाद ये पूरा नीचे से ना ऐसे नेट है मतलब पूरा जो गिरा रहेगा ना वो ऐसा नेट नेट वाला गिरा रहेगा और नेट का मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना कहीं से भी ये ड्रेस चुप नहीं रही है मतलब वो आ, मीशो से कंपेयर करूँ तो काफी चीजों को ना मुझे कपड़ों की क्वालिटी से भी कंपेयर करना पड़ता था, था स्टिचिंग से भी कंपेयर करना पड़ता था, था लेकिन अर्बैनिक में ऐसा नहीं है आंख बंद करके आप जा सकते हो कि हाँ कपड़े की क्वालिटी अच्छी होगी स्टिचिंग तो ऑब्वियसली अच्छी होगी कुछ एक आधे आर्टिकल ही ऐसे होते जिनसे मैं होती नहीं तो उसके लिए आप इसको रख सकते हो आप पिक्चर्स में देख रहे हो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अब काफी लोग वेट कर रहे हो सीक्वेंट ड्रेस तो आई नहीं है पार्टी बोल रहा था तो लो चलो आ गई सीक्वेंट ड्रेस यह सीक्वेंट बॉडी ड्रेस ट्वेंटी सेवन नाइन्टी की मुझे थोड़ी महंगी लगी थी जब आई उसके हिसाब से मुझे थोड़ी महंगी लगी ट्वेंटी सेवन मतलब अट्ठाईस सौ रुपये की ये ड्रेस है इसमें भी तीन कलर ऑप्शन थे मैंने ये वाला कलर लिया है इसको मैंने एक ही बार पहना था दुबई में पहना था और मैंने कहीं उसकी पिक्चर्स भी नहीं डाली हैं कोई एक आधी पिक्चर मैं यहाँ लगा दूँगी तो आप देख लोगे पीछे बुर्ज खलीफा दिख रहा है ये वो ड्रेस है इसका नेक बहुत ही ज़्यादा डीप था तो मैंने बॉडी टेप लगा के ऐसे चिपका के इसको पहना था कि वरना तो ये पूरा ऐसे खुल जा रहा था अगर ब्लैक कलर का होता तो अंदर ब्लैक भी बहुत स्मार्ट लगता पीछे से पूरी जिप है आराम से इसको आप पहन सकते हो फुल इसकी स्लीव्स हैं और क्या कहते हैं आप नीचे देख सकते हो नीचे ऐसे पूरे इलास्टिक से पूरा ऐसे फ्रिल दी हुई है बहुत अच्छा बॉडी वाला पैटर्न आता है कहीं से भी ना ये चुभ नहीं रहा था कि मतलब जैसे आपको लगे कि ऐसे सिकवन है लेकिन इसके अंदर पूरा एक क्लोथ लगा हुआ है जिस वजह से नहीं चुभ रहा है वरना इसको पहनना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से तो लाइक बॉडी पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली चुभ रहेगी पूरी सीक्विन ड्रेस है ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है पहने में परफेक्ट पार्टी ड्रेस है ये और रेंज थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी है बहुत हैवी है चीप कहीं से भी नहीं लग रही बाकी आप फोटो में तो देख ही रहे होंगे चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज जो नेक्स्ट ड्रेस है ना वो बड़ी यूनिक सी है कॉन्ट्रास्ट मैश ए लाइन ड्रेस चौदह सौ नब्बे रुपये की इसमें तीन कलर थे ब्लैक पिंक ब्लू अभी तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही है मैंने ब्लैक कलर की मंगवाई थी आप पिक्चर में देखो लड़की ने बेल्ट और बूट्स के साथ पहनी मुझे काफ़ी अच्छा इसका लुक लग रहा था मुझे था निकर पूरा अटैच होगा एंड पूरा ऐसे फ़्रॉक होगा नेट का लेकिन जब मैंने मंगवाया तो मुझे पता चला कि जितना मैंने लॉन्ग निकलकर सीमलेस सोचा था उतना नहीं है काफ़ी शॉर्ट है इसलिए आपको इसके ऊपर अलग से एक लॉन्ग थोड़ा सीमलेस शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा तो ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ये ड्रेस है आप देखो ये फ्रंट है इसका और एडजस्टेबल इसके स्ट्रैप्स हैं इसमें पीछे जिप भी दी हुई है कि आप इजीली इसको पहन पाओ और आप इसमें कोई बेल्ट नहीं आई आप इसको यहाँ बेल्ट लगा सकते हो नीचे इसमें शॉर्ट्स दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स हैं उसके बाद आप इसको ऊपर से कुछ आपको पहनना पड़ेगा ना उसके बाद ये पूरी ऊपर ऐसे स्कर्ट ये फ्रॉक टाइप का पैटर्न है पूरा ऐसे मैश मैश पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी बहुत यूनिक है आप इसको पार्टीज में भी पहन सकते हो आप यार मैंने ना एक गोल्डन कलर के शूज़ देखे थे स्टीव मैडन पर तो वो मैंने सिर्फ इस ड्रेस के लिए सोचे थे कि इस ड्रेस के साथ वो बहुत मस्त जाएंगे तो मेरे दिमाग में ना अभी वही क्लिक करा कि वो शूज़ पिक्चर यहाँ लगा दूंगी कि वो शूज़ इस ड्रेस के साथ कितने मस्त लगेंगे ना स्नीकर्स टाइप के गोल्डन और ब्लैक और ये ऊपर ड्रेस मैंने इमेजिन करी थी मैंने कहा वाओ काश ऐसा होता हर एक ड्रेस के साथ एक पर्टिकुलर कलर के शूज़ होते हैं मेरे पास हील से ज़्यादा मुझे शूज़ पसंद है तो या, या ये बहुत अच्छी ड्रेस है बाकी मैंने इसकी वियर नहीं किया अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियोज़ फ़ोटोज़ चल ही रही होंगी वियर करने के बाद ये कुछ कैसी दिखने वाली है कैसी लगने वाली है वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी तो या नेक्स्ट दिखाती हूँ जो नेक्स्ट हमारी ड्रेस है वो है कट आउट ए लाइन ड्रेस आप पिक्चर में देखो इसमें तीन कलर के ऑप्शन थे पिंक में मेरे पास बहुत है ग्रीन में मेरे पास बहुत है तो मैं सोचा स्काई ब्लू पे जाना चाहिए स्काई ब्लू मैंने मंगवाया है बहुत अच्छी थी बहुत डिफरेंट थी जैसे मैंने वो ब्लू कलर की ड्रेस दिखाई ना शर्ट एंड देन कट आउट और नीचे पूरा फुल ये वैसी सी थी लेकिन जब मैंने इसको पहना ना पता नहीं क्यों इसको पहन के मैं नन लग रही हूँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंस्टेंट नन बन चुकी हूँ और मेरे पास वैसे ड्रेसेस आ गई हैं कि अगर मुझे कोई नन वाला रोल करना है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट लगूंगी ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है क्या पता आप लोग को ना लग रही हूँ लेकिन यार ये लगी वैसी ही है एक तो इसका कलर देखो जरा एक बार और इसका जो ये नीचे वाला ये वाला पैटर्न है ना ये देखो ये फ्रॉक का ये देखो स्कर्ट जैसे नन पहनती है ना पीछे से इलास्टिक आगे से इतना पार्ट देखो ये फ्रंट ऐसे बेल्ट में मैंने पहन लिया वो नन का पेटी कोट काइंड ऑफ बिल्कुल वही लग रहा है और ऊपर इसमें ये चीज ऐसे अटैच हो गई है बिल्कुल ये सेमी हाई नेक स्लीवलेस है और बीच में से जुड़ा हुआ है बैक आप देख सकते हो ऐसे कटआउट है पूरा जिप खुल के आप आराम से पहन सकते हो वीडियो में देखो कैसी लग रही हूँ नन लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ बता देना है बहुत अच्छी पहनूंगी मैं इसको जरूर लेकिन अगर मुझे किसी ने और ने बोल दिया ना कि नन लग रही है उसके बाद से नहीं पहनूंगी एक बार तो जरूर पहनूंगी तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है वो है रफल बॉडीकॉन ड्रेस उन्नीस सौ नब्बे रुपए की इसमें तीन कलर थे पिंक बेज मतलब न्यूट कैलो और ब्लैक मैंने ब्लैक मंगवाया क्योंकि मुझे पता था कि आने क्या वाला है और बहुत पहले मैंने इसको मंगवा लिया था अब तक वियर नहीं किया है मौका ढूंढने उसको वियर करने का ये पूरी नेट की ड्रेस है मतलब ये पूरी ड्रेस मेरी मुट्ठी में आ जाएगी लाइक इतनी सी ये ड्रेस है ये पूरी नेट की ड्रेस है और ये वो ड्रेस है आप देखो यहाँ ये फ्रंट है एक राइट शोल्डर पे एक फ्लावर आएगा और ये पूरी ऐसे नेट की ड्रेस है ठीक है और नीचे भी आपको यहाँ एक फ्लावर दिख जाएगा और ऐसे ये कटआउट है पूरे ऐसे नीचे

ये आपको ड्रेस मिलेगी इसके नीचे आपको सीमलेस या कोई टॉप या कुछ ब्रालेट वेयर करना पड़ेगा आप चाहो तो इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ना नियॉन कलर की लाइक पिंक या नियॉन ग्रीन नियॉन ऑरेंज कलर का कुछ अंदर पहन सकते हो उसके ऊपर ये पहनो तो अंदर से वो दिखेगा तो बहुत अच्छा पॉप करेगा नहीं तो आप इसको ऑल ब्लैक भी पहन सकते हो पिक्चर में तो ऑल ब्लैक पहना था तो ऑल ब्लैक आप स्टाइल कर सकते हो और बहुत सुंदर ये ड्रेस लगेगी पूरा बॉडी हगिंग बॉडी फिट वाली ये ड्रेस है और बहुत स्टाइलिश है मतलब अर्बैनिक पे ना आपको सिंपल से देखो स्टाइलिश बहुत सारी ड्रेसेस मिल जाएंगी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके सिटीज़ में ऐसे स्टोर्स नहीं होते कि यार जहाँ उनको इतने यूनिक ड्रेसेस मिल पाए जैसे यहाँ मैं बैठी हूँ आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल हरिद्वार में ऐसी बहुत रेयर शॉप है और जो है भी ना लाइक वो इतना अंधा पैसा मांगते हैं मेरा मन करता है यार इस तो मुझे ऑफलाइन शॉपिंग ही नहीं करनी है ऑनलाइन बेस्ट है अपना साइज़ वाइज देखो और जो यूनिक यूनिक चीज़ें मंगानी है मंगाओ पूरा स्टाइल करो फ्लॉन्ट करो इतना इतनाओ भी थोड़ा चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस जो माई नेक्स्ट ड्रेस है वो है पैच वर्क कॉकटेल ड्रेस आप देखो ये है पिक्चर में ये ट्वेंटी सेवन नाइनटी मतलब अट्ठाईस सौ रुपए की है इसमें एक ही कलर था ये बहुत अलग सी कॉकटेल ड्रेस लग रही थी मुझे कि एक तरफ से तो पूरा लॉन्ग है एक तरफ से निक्का टाइप का है स्टाइल है और आपको साइड में बांधना है शॉर्ट्स वाला पैटर्न है काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे तो मैंने इसको मंगवा के देखा जो मुझे एक चीज़ फील हुई ना कि इसका शॉर्ट्स कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है और उसके नीचे अगर आप कुछ भी सीमलेस व्ययर करोगे तो वो अलग से दिखेगा मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट है इतना मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा शॉर्ट आएगा ये है वो ड्रेस एक मिनट मैंने इसको खोल दी थी पूरी साइड से तो ये आपको ऐसी दिख रही है कि कुछ समझ भी नहीं आएगा रुको पहले मैं साइड से पूरा ज़िप बंद करती हूँ ये वो निक्कर वाली जगह से पूरा जिप है सी ये वो ड्रेस है इसके स्ट्रैप्स आप देख सकते हो पूरा ऐसे सिल्वर एडजस्टेबल इसके स्ट्रैप्स हैं आगे वी नेक है और ये थोड़ा वेलवेट वाला मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है फ्रंट सीक्वेंस है राइट साइड में पूरा ऐसे सीक्वेंस आएगा और आप नीचे देख सकते हो इसमें साइड में इधर निक्कर है तो ये निक्कर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और या तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा डीप पहनो ऊपर से स्ट्रैप्स ढीले कर दोगे डीप कर दोगे तो ये निक्कर थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो आप ऊपर से इसको बिल्कुल कंफर्टेबल वेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है और इसमें साइड से पूरे में ऐसे चेन दिखती है बाकी मैं इसको वेअर करके आपको दिखाती हूँ मैं तो सीमलेस के साथ वेयर करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ तक मैं सीमलेस वेयर कर रही हूँ कितना ये शॉर्ट है बाकी जिन लोग के लिए कंफर्टेबल है तो ये बहुत अच्छी ड्रेस है बहुत मस्त लगेगी पहन के बहुत यूनिक सी है काफ़ी अच्छी लगी वरना तो सिंपल ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट कॉकटेल ड्रेसेस तो सबके पास होती हैं कुछ अलग से थी इसलिए मैंने इसको बाय किया तो चलो एक ही लास्ट ड्रेस बची है इस हॉल की मैं वो दिखाती हूँ आपको सो so, इस हॉल की लास्ट ड्रेस है नॉट बॉडीकॉन ड्रेस बारह सौ नब्बे रुपये की ब्राउन कलर की लेपर्ड प्रिंट की बहुत ही सुंदर ये ड्रेस है लेकिन मुझे थोड़ी लूज आई आप देख सकते हो तो ये ड्रेस है काफ़ी लूज आपको देखने से लगी रही होगी ढीली पीली सी ओवर साइज की ड्रेस फुल स्लीव्स है बहुत बड़ा वीन नेक कटआउट है इसका पीछे आपको आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगी कोई भी जिप नहीं है पहनने के लिए क्योंकि भाई इतना बड़ा गरा है क्या ही ज़रूरत होगी जिप की और उसके बाद आपको यहाँ पे दो नीचे थोड़ा ऐसे इलास्टिक लूस्टिक वाला सीन दिख जाएगा थोड़ा इसको फ्रिल वाला लुक थोड़ा देने के लिए बाकी आप पिक्चर में देख सकते हो कितनी लूज लग रही है थोड़ी ढीली सी ड्रेस है थोड़ा फिटिंग विटिंग होगी या फिर शायद इसका लुक ही ऐसा है बाकी मुझे ठीक लगी ड्रेस और रेट के अकॉर्डिंग भी ठीक है मटेरियल बहुत सॉफ्ट है बहुत अच्छा है और ये स्ट्रिंग्स आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं करना तो आप इसको खोल भी सकते हो जितना ऊपर करना चाहो उतना ऊपर कर सकते हो जितना शॉर्ट आपकी मर्जी जितना आप कंफर्टेबल हो उतना बना सकते हो ये दोनों तरफ हाँ दोनों तरफ दोनों तरफ है इसके स्ट्रिंग्स जितना आपको छोटा करना उतना करो सो so yeah वीडियो में तो आपने देख लिया है कैसी लग रही है सो दैट्स इट ये थे मेरी ऑल all... ये थे मेरी सारी नौ दस ड्रेसेस आई होप आपको ये मेरा हॉल पसंद आया होगा मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना फिर से फ्लैश कर देती हूँ गीमा बी ट्वेंटी थ्री डिस्काउंट मिलेगा आपको बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अब आप नेक्स्ट वीडियो कौन से ब्रांड और क्या चीज देखना चाहते हो मुझे सजेस्ट करो फिर मैं वही आपके लिए लेके आऊंगी अभी तो मैं सब कुछ सब जगह हाथ मारने वाली हूँ जो ब्रांड जो ऐप मुझे दिखेगा मैं वहां पर वीडियोज लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए अफोर्डेबल आइटम्स और थैंक यू सो मच बाकी मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए जल्दी मिलती हूँ बाय बाय अलव्या